कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहु दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, ये बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं यह सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने उसे कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।